अयोध्या 12 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले माध्यमिक व बेसिक शिक्षकों ने संयुक्त रूप से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक सम्मान बचाओ को लेकर अयोध्या जनपद के सभी शिक्षक हजारों की संख्या में बीएसए कार्यालय से मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की मांग है कि शिक्षकों का अपमान बंद हो, हर कक्षा अध्यापक, हर स्कूल प्रधानाध्यापक, स्कूल में चपरासी व क्लर्क, बिजली, पंखा, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय की समुचित व्यवस्था किए जाने के साथ साथ पुरानी पेंशन लागू करने, पीड़ना ऐप को बंद करने व और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और जुलूस में हजारों की संख्या में शिक्षक रहे मौजूद। प्राथमिक शिक्षक महासंघ के बैनर तले आज हम अपनी 12 सूत्री मांगों के संदर्भ में आयोजित होने वाली 6 नवंबर को लखनऊ में महारैली, शिक्षक सम्मान बचाओ महारैली में प्रतिभाग करने के लिए प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर एक जन जागरण अभियान चलाया गया है। उस अभियान को सफल बनाने के लिए आज हम लोग एक भारी संख्या में कार्यालय जिला में शिक्षा अधिकारी अयोध्या पर एकत्र हैं। यहाँ से निकलकर हमारा मशाल जुलूस निकलेगा शिक्षकों के समूह के साथ, हमारी शिक्षिका बहनें भी हैं बड़ी संख्या में, और हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से पुष्पराज चौराहा से होते हुए रोडवेज कार्यालय और रोडवेज कार्यालय से सदर तहसील होते हुए तिकोनिया पार्क और आके शिक्षक भवन पर हम लोग अपना ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आगामी 6 नवंबर को एक बड़ी रैली हम लोग जो है क्या नाम लखनऊ में करने जा रहे हैं, जिसमें जनपद अयोध्या से एक भारी संख्या में, कहा जाए दसियों हजार की संख्या में शिक्षक जो है लखनऊ को कूच करेगा। और अपनी बात को रखने के लिए, जो कि आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, एक तो शिक्षकों का सम्मान सुरक्षित किया जाए, शिक्षकों को दिन प्रतिदिन जो अपमानित करने का कार्य सरकार कर रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, हमारे हर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक शिक्षक दिया जाए, हर विद्यालय में एक एक प्रधान अध्यापक दिया जाए, एक घंटी बजाने के लिए चपरासी दिया जाए, एक झाड़ू लगाने के लिए भी हमारे यहाँ चपरासी होना चाहिए, विद्यालय का ताला खोलने के लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था चौकीदार की होनी चाहिए। सरकार संसाधनों से ध्यान भटकाने के लिए, जनता का दिमाग अलग डाइवर्ट किया जाए, इसलिए वो नए नए हथकंडे अपना रही है, कभी प्रेरणा ऐप का डर दिखा रही है, कभी उपस्थिति का दिखा रही है। और जो वास्तविक मुद्दा है कि 70 साल पहले भी बच्चा जमीन पर बैठता था और आज 70 साल के बाद भी जमीन पर बैठ रहा है, हमसे कॉन्वेंट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा करने की बात तो की जाती है लेकिन हमको संसाधन नहीं दिए जाते। वहाँ 5 अध्यापक हैं, हमारे यहाँ 1 अध्यापक है, कितनी बड़ी विडंबना है कि प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता तब दी जाती है जब उनके पास 5 कमरे होते हैं, और हमारे यहाँ 2 कमरे का ही स्कूल खोला जा रहा है, 1 या 2 शिक्षक दिए जा रहे हैं, और हमारी कंपटीशन और हमारी तुलना सरकार कराना चाहती है कॉन्वेंट स्कूलों से। तो आज हम अपने बच्चों के लिए सड़क पर हैं, अपने बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके अधिकारों का, जो बाल अधिकार है, जो उनका स्वयं का अधिकार है, उसकी मांग के लिए।